मात्र 4 इंच जमीन में गड़े दुर्लभ पौधे को आज तक कोई नहीं उखाड़ पाया। धबटी गांव में 100 सालों से जारी है पौधा उखाड़ने की रहस्यमय प्रथा। हर साल सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं छोटा बारा खंबा मेले में। पौधे को उखाड़ने के लिए 5-5 पहलवान नहीं कर पाते जमीन से टस से मस। देखिएगा इस पूरी खास रिपोर्ट में आखिर वो कौन सा पौधा है जिसको बड़े बड़े पहलवान भी टस से मस नहीं कर पाते। सीहोर के ग्राम धबोटी में दीपावली के एक दिन बाद पौधा उखाड़ने की प्रथा आज भी बेहद रहस्यमयी है। इसके रहस्य इतिहास के गर्त में छुपे हुए हैं, लेकिन आज भी करीब एक दर्जन से अधिक गाँव के लोग हजारों की संख्या में इस प्रथा के साक्षी बनते हैं और यहाँ स्थित खुटिया देव की आस्था और उत्साह के साथ पूजा अर्चना करते हैं। धबोटी गांव के उप सरपंच ईश्वर सिंह ठाकुर बताते हैं कि पौधा उखाड़ने की प्रथा इस गांव में 100 सालों से अधिक समय पुरानी है, लेकिन अभी तक किसी ने भी इस दुर्लभ पौधे को नहीं उखाड़ पाया। उन्होंने बताया कि गांव के चौकीदार पटेल जगदीश प्रसाद के मार्गदर्शन में एक विशेष पूजा अर्चना के साथ ग्राम में स्थित कुटिया देव के मंदिर परिसर में पवड़िया का 2 फीट का पौधा जमीन के 4 इंच के करीब गलता है और उसके बाद सुबह यहां पर आने वाले श्रद्धालु कुटिया देव के दर्शन करने के पश्चात उसे उखाड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह 4 इंच जमीन में गड़ा हुआ पौधा 4-5 लोगों के अथक प्रयास के बाद भी जमीन से टस से मस नहीं होता। एक तरफ तो देश चांद पर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ग्राम धबोटी में हर साल इस तरह की दिव्य प्रथा होती है। इस अद्भुत घटना में करीब 15,000 से अधिक श्रद्धालु हर साल साक्षी के रूप में मौजूद रहते हैं, लेकिन इस बार कोरोना काल के चलते श्रद्धालुओं की संख्या थोड़ी कम थी। गांव के सरपंच देव सिंह और उप सरपंच ईश्वर सिंह बताते हैं कि हमारे बुजुर्गों से मिली जानकारी के अनुसार दिवाली के दूसरे दिन ग्राम धबोटी में छोटा बारा खंबा से नाम के इस प्रसिद्ध मेले और पौधे को उखाड़ने की इस अद्भुत घटना में करीब 15,000 से अधिक श्रद्धालु हर साल साक्षी के रूप में मौजूद रहे हैं, लेकिन इस साल कोरोना संकट के कारण मेले में संख्या कम थी, जिसमें ग्राम धबोटी, धामनखेड़ा, शिकारपुर, कारही, बामुलिया, बड़नगर, काकड़खेड़ा, भाऊखेड़ी, आमजिरी, मोगरा, हसनाबाद, जहांगीरपुरा, नयापुरा, आहलदालखेड़ी आदि के बड़ी संख्या में ग्रामीण और क्षेत्रवासी श्रद्धा और विश्वास के साथ उपस्थित रहे। मुंदरी तरकत के लिए सीहोर से ब्यूरो रिपोर्ट।